जो कोरोना के लिए टेस्ट करवाने जाते हो वो इतना आसान नहीं है। लोग पहली बार तो जाएंगे रे, डर रहे हैं, समझ रहे हो, बाहर जाना सबके लिए खतरनाक सा हो रहा है कि कैसे जाएं, डर लग रहा है। कई लोग तो अगर किसी को प्रॉब्लम है कोरोना की तो घर पे ही बैठा है, मतलब वो सोच रहा है कि चलो 3-4 दिन कुछ ऐसी दवाइयां ले लेते हैं कि अब तक ठीक हो जाए। जो लोग बोल रहे हैं घर पे बैठ के कि अब तक ठीक हो जाए, कई लोग ठीक हो भी रहे हैं लेकिन कई लोग नहीं भी हो रहे हैं, तो एक खतरनाक सिचुएशन पर है। मतलब एक तरह कहीं हम लोग बॉम्ब पे बैठे हैं। अभी वो बॉम्ब एक्चुअली फटा भी है, सेकंड वेव इसीलिए आई है, समझ में आ रहा है। और दूसरा थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, और उसके पीछे की सबसे बड़ी समस्या ही टेस्टिंग है। और हमारे पास इतने हेल्थ वर्कर है ही नहीं, हम लोग टेस्ट करेंगे कहां से। सबसे बड़ी समस्या ये, इतने हेल्थ वर्कर है ही नहीं। 30 इतने दिनों बाद भी, आज कोरोना कब से चल रहा है, टेस्टिंग किट आ गई थी, 1 साल समझ लो, 1 से 1.5 साल हो गया कोरोना को चलते, हमने सिर्फ 30% जनता की टेस्टिंग की है, और टेस्टिंग 70% लोगों की टेस्टिंग बाकी है। हम लोगों को लगता है सब कुछ आसान है, और गवर्नमेंट कर नहीं रही है। इतना आसान नहीं है भाई, गवर्नमेंट को नहीं करना है। वहां हेल्थ वर्कर है, उनको क्या जान माल का डर नहीं है क्या? जो भी लोग है जो टेस्टिंग करेंगे उनको भी तो अपने जान माल का खतरा है, मतलब उस डर से भी धीरे धीरे टेस्टिंग हो पा रही है, जरा समझो। हेलो, मौत के कुएं में कूदना चाहेगा लेकिन फिर भी ये लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये लोग फिर भी आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जो पीछे भागते हैं, फिर जाते नहीं है।